जय श्री राम। आज हम सुनने वाले हैं माँ और बेटे के मंदिर की पौराणिक कथा। तो आइए सुनते हैं माँ बेटे के पवित्र रिश्ते के इस मंदिर की कथा। माँ और बेटे का रिश्ता कितना पवित्र और प्रेम से भरपूर होता है, यह बात तो हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। पुराने समय से ही माँ बेटे को लेकर बहुत सारी कहानियाँ और किस्से प्रचलित हैं। इसी माँ बेटे के प्रेम का प्रतीक है एक मंदिर। तो वीडियो से आखिर तक जरूर जुड़े रहिए और इस मंदिर के बारे में विस्तार से जानिए। माँ और बेटे से जुड़े इस मंदिर और इसके पीछे की कहानी आपको जरूर पता होनी चाहिए। माँ का अर्थ ही ममत्व, त्याग और समर्पण होता है। माँ और बच्चों का रिश्ता संसार का सबसे खूबसूरत, अटूट और प्यारा रिश्ता होता है। इसलिए हर साल माँ के प्रति प्यार जताने के लिए मई के दूसरे रविवार के दिन को मातृत्व दिवस यानी मदर्स डे के रूप में मनाया जाता है। इस खास दिन को लोग अपनी माँ के साथ सेलिब्रेट करते हैं। कुछ लोग माँ के लिए उनकी पसंद का स्पेशल डिश बनाते हैं, कुछ शॉपिंग कराते हैं तो कुछ तोहफे देते हैं। लेकिन इस साल मदर्स डे पर आप अपनी माँ को एक अनोखे धार्मिक स्थल पर लेकर जा सकते हैं, जो कि माँ और बेटे के अनूठे प्रेम का प्रतीक माना जाता है। हिमाचल प्रदेश में रेणुका झील के किनारे माँ श्री रेणुका जी का भव्य मंदिर है। यह मंदिर हिमाचल प्रदेश के नाहन से करीब 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस मंदिर में कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की दशमी से पूर्णिमा तक 5 दिनों का मेला लगता है। यह मेला माँ श्री रेणुका के वात्सल्य और पुत्र भगवान परशुराम की श्रद्धा का अनूठा संगम है। माँ रेणुका और भगवान परशुराम के इस मंदिर से जुड़ी पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय में आर्यव्रत में हय वंशी क्षत्रिय राज किया करते थे और भृगुवंशी ब्राह्मण उनके राज पुरोहित थे। महर्षि जमदग्नि का जन्म इसी भृगुवंश के महर्षि ऋचिक के घर हुआ। जमदग्नि का विवाह इक्ष्वाकु कुल के ऋषि रेणु की कन्या रेणुका से हुआ। महर्षि जमदग्नि टीला के पास तपस्या किया करते थे। उनके पास एक कामधेनु गाय थी, जिसे प्राप्त करने के लिए उस समय के सभी राजा और ऋषि लालायित थे। कामधेनु गाय को मांगने के लिए एक दिन अर्जुन नाम के राजा महर्षि जमदग्नि के पास पहुँचे। महर्षि जमदग्नि ने भी राजा और उनके सैनिकों का खूब आदर सत्कार किया, लेकिन वे कामधेनु को देने के लिए राजी नहीं हुए। महर्षि जमदग्नि ने राजा अर्जुन से कहा कि यह कामधेनु गाय कुबेर जी की अमानत है, जिसे वह किसी को भी नहीं दे सकते। इस बात को राजा ने अपना अपमान समझ लिया और सैनिकों द्वारा महर्षि जमदग्नि की हत्या करा दी। महर्षि की मृत्यु के बाद पता चलते ही माँ रेणुका शोकवश राम सरोवर में कूद गई। कहा जाता है कि राम सरोवर ने माँ रेणुका की देह को ढकने का प्रयास किया, जिसके कारण सरोवर के आकार में परिवर्तन आया और सरोवर स्त्री के देह समान हो गया। इसलिए इस झील को पवित्र माना जाता है और इसे पवित्र रेणुका झील के नाम से भी जाना जाता है। जब माँ रेणुका के झील में कूदने की जानकारी भगवान परशुराम को मिली तो वे क्रोधित हो गए और राजा को युद्ध के लिए ललकारा। युद्ध में भगवान परशुराम ने राजा को उसकी सेना का वध कर दिया। इसके बाद भगवान परशुराम ने अपनी योग शक्ति से पिता जमदग्नि और माँ रेणुका को जीवित कर दिया। कहा जाता है कि यहाँ माँ रेणुका से भगवान परशुराम हर साल कार्तिक देवोत्थान एकादशी को मिलने आया करते हैं। इसलिए इस स्थान पर हर साल मेला लगता है, जो कि पूरे 5 दिनों तक चलता है। साथ ही इस मंदिर को माँ रेणुका के वात्सल्य और पुत्र परशुराम की श्रद्धा का अनूठा प्रतीक माना जाता है। मातृत्व दिवस के खास मौके पर आप भी अपनी माँ के साथ इस मंदिर के दर्शन के लिए अवश्य जाइए। जय श्री राम। यह था माँ बेटे के प्रेम के प्रतीक का अनूठा मंदिर, जिसका नाम है रेणुका मंदिर।
यह थी रेणुका मंदिर की पौराणिक कथा। आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें।